हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रोग्रामिंग मोड। आज का हमारा टॉपिक है कि हम जावास्क्रिप्ट में किस तरह डू वाइल लूप यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप वीडियो चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में होता ये है कि पहले डू लिखते हैं, उसके बाद हम लास्ट में वाइल लूप देखते हैं कंडीशन को चेक करने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप में मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा रहा हूँ, var i equals to 0। यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि i की वैल्यू क्या कर दो, i की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज कर दी 0। अब मैंने डू लूप लगाया, पहले डू लगाया, उसके बाद मैं लास्ट में क्या लगा रहा हूँ, वाइल लूप लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। डू क्या करता है, डू ये करता है कि वन टाइम एग्जीक्यूशन कर देता है, मतलब कंडीशन चेक नहीं होगी लेकिन उससे पहले हमारे पास एक बार लाइन प्रिंट हो जाएगी, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा फोर्स ओपन। मैंने यहाँ पे यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, कंडीशन फॉल्स भी होगी। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे एक लाइन क्या लिख रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड की लाइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब होगा क्या, यहाँ पे कंडीशन में क्या लिखूंगा, आप देखें कंडीशन, आप बोलेंगे कंडीशन तो मैंने गलत लिखी है, लेकिन फिर कैसे रन होगा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आई की वैल्यू लेस देन हो, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन हो 1 तो ही ये चले। क्या बोला मैंने, वाइल की वाली कंडीशन में क्या लगाया, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ही एग्जीक्यूट हो, लेकिन आपको नजर आ रहा है आई की वैल्यू क्या है, 0 है, 1 से तो छोटी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये डू वाइल लूप में हम यूज़ इसलिए करते हैं कि मुझे एक बार जब किसी कोई चीज़ डिस्प्ले करनी होती है, कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद अगर मुझे कोई चीज़ डिस्प्ले करनी होती है, तो मैं डू वाइल लूप यूज़ कर रहा होता हूँ इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपने देख लिया, पहले क्या करते हैं, हम डू लिखते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं, अगर जो लाइन आपको प्रिंट करानी हो वो लिखते हैं, अलर्ट भी ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी ले सकते हैं, और क्या करना हो, वाइल यूजर से इनपुट भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी मर्जी है। और अब फिर क्या देखेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, वाइल कंडीशन चेक करेंगे हम यहाँ पे, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे ही ये स्टॉप हो जाएगा, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, कंडीशन फॉल्स है लेकिन फिर भी ये, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि कंडीशन तो फॉल्स थी लेकिन फिर भी ये एग्जीक्यूट हो गया 1 टाइम, ठीक है। इस वजह से हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं, अगर हमें एक बार कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी हो कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद, तो हम डू वाइल लूप यूज़ करते हैं। और वाइल लूप कब यूज़ करते हैं, वाइल लूप हम जब यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशन को, पहले कंडीशन चेक होती है वाइल लूप में, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, फिर इंक्रीमेंट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको डू वाइल लूप समझ आ चुका होगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।